हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो का कोड मैंने ये लिखा था, आपके सामने ये टाइप किया था। इसमें मैंने इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट डिक्लेयर किया था। मैं इसमें इस पूरे कोड में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड कर रहा हूं। और प्रोटेक्टेड करने के बाद हम देखते हैं क्या हम इस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को इस बेस क्लास की डिराइव क्लास के मेथड के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। इसको सेव कर देते, और उससे पहले हम यहां पर इस फाइल को एक नए नाम से सेव कर लेते हैं, और यहां पर भी हम इसका नाम प्रोटेक्टेड मॉडिफायर कर देते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि मुझे यहां भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा क्लास का नाम चेंज हो गया। मुझे और कहीं चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहां कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। जी हाँ, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया और आउटपुट 10 आ गया। तो इस वीडियो के आधार पर आपको पता चल गया होगा प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्या होता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। दोस्तों, आप एक या एक से ज्यादा क्लास जो कि इस बेस क्लास की डिराइव्ड होंगी, वो जैसे यहां पर एक मेंबर को एक्सेस किया है, ठीक उसी तरह से उस क्लास के मेथड के अंदर भी हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है और उसे किस तरह से यूज करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट मॉडिफायर और पब्लिक मॉडिफायर क्या होते हैं। तो देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।